एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाऊलाल सिंह अनूपपुर से चुनाव जीत गए हैं और उन्होंने कांग्रेस के रमेश कुमार सिंह को चुनाव हरा दिया है। अनूपपुर बड़ा पिछड़ा इलाका माना जाता है जहां से बिसाऊलाल सिंह आते हैं खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री। उनको जनता ने 77,110 वोट देकर जिता दिया है। वहीं कांग्रेस के रमेश कुमार सिंह को 56,691 वोट मिले हैं। बिसाऊलाल सिंह के बारे में ये कहा जा रहा था जब वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे कि उनका वक्त जा चुका है, लेकिन वे मंत्री बने और सत्ता में बने रहे, उसके बाद चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के फिर जीत के आए हैं। लोगों का ये कहना था कि उम्रदराज नेता है बिसाऊलाल सिंह और उनमें उतनी क्षमताएं नहीं बची हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हर बात को उनके खिलाफ जो चलाई गई थी, फैलाई गई थी, उसको किनारे पे कर दिया और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़कर मैदान में आए हैं बिसाऊलाल सिंह। इनकी खूबी जो वो ये है कि ये दिग्विजय सिंह की सरकार में जब 1993 से लेके और 2003 तक जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब भी बिसाऊलाल सिंह मंत्री थे और उसके बाद भाजपा की सरकार में भी बिसाऊलाल सिंह 2023 तक मंत्री थे और हो सकता है कि भविष्य में फिर वो इस मंत्रिमंडल में हमको जो बनने वाला है उसमें नजर आए। तो बड़े क्षमतावान नेता हैं बिसाऊलाल सिंह जी और उनपे जो लोगों की टीका टिप्पणियां थी उन सबको उन्होंने दरकिनार कर दिया है और दरकिनार नहीं करते तो उनकी जीत ने उन सारी बातों को दरकिनार कर दिया है और वो पूरे दमखम के साथ मैदान से जीत कर विधानसभा में जाने को तैयार है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। बिसाऊलाल के बारे में लोग यही कह रहे थे कि अब शायद इनकी राजनीति में कुछ बचा नहीं है ज्यादा, पर बिसाऊलाल को अपने आप पे भरोसा था, उन्हें जनता पर भरोसा था कि जनता उनके साथ में चुनाव में खड़ी हो जाएगी, उनको जीत दिलाकर रहेगी। और आज परिणाम हमारे सामने, बिसाऊलाल ने शानदार जीत अर्जित की है। ये उनकी उस बात को दर्शाता है कि वो लड़ने वाले नेता है और तमाम आरोपों को दरकिनार करते हुए उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। लंबा राजनीतिक अनुभव है बिसाऊलाल सिंह के पास। वो बहुत जो है पिछड़े इलाके से आते हैं, आदिवासी बहुत इलाका है पूरा अनूपपुर जिला जो है, वहां से निकल के आना, राजनीति करना, खुद को साबित करना बहुत आसान नहीं होता हर किसी के लिए। साम दाम दंड भेद हर तरीके से खुद को साबित करने की जरूरत होती है और बिसाऊलाल सिंह ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने खुद को साबित किया है। और जब चुनाव में जनता आपको मत देती है, आपको विजय बनाती है, आपको जिताती है, तो उसके बाद सारी शंकाएं, कुछ शंकाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि जब तजुर्बेकार लोगों की गिनती की जाएगी या तजुर्बे का लाभ लेना होगा तो भाजपा बिसाऊलाल सिंह का इस्तेमाल जरूर करेगी। भाजपा के भीतर की राजनीति भी पल पल इस समय रंग बदल रही है क्योंकि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये भाजपा के भीतर भी बड़ा सवाल है। इस पर हम चर्चा को जारी रखेंगे। आप देखते रहें दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।